तो सबसे पहले लेवल सेट करने के लिए हमें करना होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट किया जाता है उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो ये रेविट मेरे पास में 2017 का रेविट है, 2017 वर्जन। तो इसे ओपन करने के लिए हमें लेफ्ट में डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या राइट में राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। ये ओपन होने में कुछ समय लेता है, मतलब 30-40 सेकंड लेता है। ये इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आता है ओपन होने के बाद में। जैसे ये ओपन हुआ तो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में आता है, ओपन न्यू, ओपन में आता है कि जैसे कोई पहले की कोई फाइल हो उसे फिर से हम ओपन कर सकते हैं। न्यू में हमें कुछ भी नया करना हो, जैसे कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, तो इसे ओपन करने के बाद में जैसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर टेम्पलेट में क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में इसमें ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है हमारे पास में। ये एक इंटरफेस, इसका सामने से सबसे पहले ये इंटरफेस ओपन होता है। ये ओपन होने के बाद में ये प्रॉपर्टीज है इधर इसकी, ये प्रॉपर्टीज है और ये इधर इसका है प्रोजेक्टर ब्राउजर, ये दो दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें काम करना होगा। तो हमें सबसे पहले इसके ओपन होने के बाद में हमें इसमें लेवल बनाने होते हैं। जैसे एक हम ड्राइंग बनाते होते हैं उसे, जैसे वॉल में लेवल होते हैं, ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, सीज लेवल, लिंटर लेवल, स्लेब लेवल, वैसे लेवल बनते हैं। इसमें भी हमें लेवल बनाने, लेवल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो हम सबसे पहले आर्किटेक्चर का ये ओपन होने के बाद में ये इंटरफेस आ जाएगा, इसके बाद में हमें लेवल बनाने के, तो मैं बताऊंगा कि वो लेवल कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले ये इंटरफेस आ गया, तो इसके बाद में आपको अब तक समझ में आ ही रहा होगा, तो ये आपके पास में आ रहा होगा, तो इसमें लेवल बनाने स्टार्ट करते हैं। तो लेवल यहाँ पे एलिवेशन में आके हम लेवल बनाते हैं, क्योंकि जो भी काम होता है एलिवेशन में होता है। तो एलिवेशन में हम साउथ में क्लिक करते हैं, तो साउथ में क्लिक करने के बाद में हमें ये हमारे सामने आ रहा होगा और इसमें हम लेवल बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेवल बनाएंगे, लेवल वन है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा लेवल आएगा, 01। हम यहाँ से जैसे U1 यूनिट भी सेट कर सकते हैं, जैसे U1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, इसे यहाँ से देख देख के चेंज कर सकते हैं। एरिया किस में दे रखा है, जैसे मिलीमीटर में है मेरा, जैसे यहाँ पे मेरे लेंथ है, इसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मिलीमीटर से हम डेसिमल मीटर जिसमें भी चाहिए, हमें फिट इंच में चाहिए, तो मैं जो मिलीमीटर में काम करना, तो यहाँ मिलीमीटर कर सकता हूँ। डेसिमल यहाँ पे अभी नन MM कर दूंगा, तो जैसे यहाँ पे 4000 दिखा रहा है, इसके आगे MM आ जाएगा, इसका मतलब ये नन का मतलब ये नहीं रहने दो। और यहाँ से ये हो गया डेसिमल, डेसिमल पहले से हो गया। और यहाँ से आप जिसमें भी काम करना चाहते हो, फिट इंच किसी में मीटर में काम करना चाहते हो, मीटर कर सकते हो यहाँ से करके। मुझे मिलीमीटर में काम करना, तो मैंने मिलीमीटर कर रखा। और इसमें हमें कुछ काम ऐसा कुछ खास पड़ता नहीं है, नहीं लेंथ का काम रहता है जो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, और फिर यहाँ पर ओके करके। तो सबसे पहले लेवल सेट करने के लिए हमें करना होगा लेवल, सबसे पहले लेवल होता है ग्राउंड लेवल होता, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके हम टाइप कर सकते हैं 01 ग्राउंड लेवल। ये मैंने ग्राउंड लेवल क्लिक कर दिया और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो ये बोला वुड यू लाइक टू रिमेन क्रॉसफोल्डिंग व्यूज, तो यस। इसमें अगला है लेवल टू, तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम 02। अगला आता है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल 700 mm से 900 mm के बीच में या 1000 mm तक हम कितना भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर क्लिक करके फिर से एक बार एंटर करते हैं, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि कितना ले सकते हैं, 700 से 900 के बीच में कितना भी है, तो हम हाईएस्ट 900 ही ले लेते हैं। जैसे हमने 900 mm लिया, तो ये 900 mm हो गया। तो इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए हमें LL दो बार टाइप करना होगा, एक साथ में LL एक साथ में प्रेस करना होगा। तो इसे LL जैसे मैंने प्रेस किया, तो ये एक LL फिर से आपको मैं टाइप L दो बार प्रेस करना है, LL जैसे LL टाइप किया तो ये हो गया, इसमें ये है लाइन और ये है लाइन। इसके अकॉर्डिंग हमें लाइन, अब लाइन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से अब यहाँ से मैं डालता हूँ प्लिंथ लेवल, सी लेवल या लिंटर लेवल का डालता हूँ ऑफसेट, तो यहाँ से डालना होगा। और इसमें पी लाइन में क्या होता है, सीधा ये ऑफसेट डल जाता है, जैसे यहाँ से डाल के बताता हूँ, यहाँ से ऑफसेट का ऑप्शन आता है, इसमें ऑफसेट का वो नहीं होता ऐसा कुछ। जैसे यहाँ से एक लाइन लेने पर अकॉर्डिंग करना पड़ेगा,
और इसमें पी लाइन में सही काम होता है, तो आपको पी लाइन के अनुसार ही काम करना हो। जैसे हम पिलिंथ लेवल के बाद में सीधा स्लेप लेवल बनाते हैं, स्लेप लेवल बनाते हैं, लिंटर लेवल सी लेवल में इतना कुछ खास नहीं है, तो हम सीधा ही वो बना लेते हैं लिंटर लेवल क्या, स्लेप लेवल बना लेते हैं। स्लेप लेवल हमें 10 फीट का लेवल, मतलब 3000 mm की एक हाइट की ले रहे हैं, बिल्डिंग एक फ्लोर की हाइट है 3000 mm, 3000 लिया मैंने, 3000 यहाँ पे टाइप कर दिया 3000, और यहाँ से ये खुद ही ऑफसेट डाल देगा। नीचे की ओर करेंगे तो नीचे की ओर ऑफसेट होगा, ऊपर की ओर करेंगे तो ऊपर की ओर ऑफसेट होगा, तो हमें ऊपर की ओर ऑफसेट डालना है, तो ये ऊपर की ओर ऑफसेट डाल दिया। ये कौन सा हो गया, स्लेब लेवल हो गया 03 03, स्लेब लेवल एली लेवल लेवल एंटर यस। ये कैसे, यहाँ से ये ले रहा है, तो यहाँ से 900 और ये 3000, मतलब 3900 हो गए ना, तो स्लेब लेवल हो गया। इसे पी लाइन में क्लिक कर फिर से यहाँ से ऑफसेट करते हैं स्लेब लेवल का बॉटम पार्ट। अब स्लेब लेवल नहीं, फ्लोर लेवल तक ही। वाह, अब स्लेब भी डालनी है ना। स्लेब हमने ली जैसे कितने की ली, ली 150 mm पर, 125 mm, 100 mm, कितने की ली हमने, ली 125 mm की स्लेब लेते हैं, तो 125 स्लेब ली है ना, 125 mm की स्लेब ले ली, ये 4 नंबर, तो एक और 4 स्लेब टॉप कर देते हैं, ये स्लेब टॉप हो गए। इसके बाद में वो भी आती है पैरापेट वॉल, आती है पैरापेट वॉल आती है, तो पैरापेट वॉल बनाने के लिए वो कितने की होती है, 1000 mm की, 1000 ले लो तो 900 ले लो, 900 mm लेते हैं, चलो 900 mm, वो भी 900 की थी और प्लिंथ लेवल भी 900 का, तो ये हो गया पैरापेट वॉल हो गई, पैरापेट वॉल हो गई 900 mm, 5 13 8 वो भी बनती है ऊपर की ओर स्टेयरकेस के ऊपर, पिंजरी बोलते हैं, जैसे हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है, तो मैं पिंजरी बोल रहा हूँ, तो आप समझ रहे होगे जो स्टेयरकेस के ऊपर बनती है एक रूम के टाइप का, वो उसकी हाइट रहती है मतलब 2000 से 2500 mm तक ले सकते हैं हम, कितनी उसकी ले रहे हैं 2000 2100 mm, 2200 mm कितनी भी ले सकते हैं, जैसे हमने 2100 mm का लिया उसे, तो वो बनती है स्लेब टॉप से, वो भी स्लेब टॉप से बनती है। तो ये स्लेब टॉप हो गया, यहाँ से ऑफसेट डालते हैं उसका, और हमें उसे नाम दे देते हैं 06 पिंजरी, ये इस प्रकार से लेवल बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने लेवल बनाए। सबसे पहले हमने रिविट आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर को ओपन किया, ओपन करते ही ये इंटरफेस आ गया। तो ये इंटरफेस आने के बाद में, यहाँ पे सबसे पहले हमें एलिवेशन बनाना होगा। एलिवेशन बनाने के लिए एलिवेशन में यहाँ पे देखना होगा, सबसे पहले यू फ्लोर प्लान, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे आना होगा, एलिवेशन में आना होगा। एलिवेशन में आके हमें साउथ में क्लिक करेंगे, साउथ में क्लिक करेंगे, दो लेवल पहले से बने हुए मिलेंगे, उसी में हमें मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने आपके सामने किया उसी प्रकार से हमें काम करना होगा। अब लेवल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, ये आपके ये सामने आज हमने बनाया है, लेवल लेवल सेट करना है, मतलब लेवल बनाना किस प्रकार से लेवल बनाते हैं, और रेविट में ये आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।